बस होगी ख़राब, बैटरी करंट नहीं दे रही है चार्ज होने के बाद भी, तो इस वाली बस में, इस वाली बस की एक बैटरी शिफ्ट करी है। अमृतसर पहुंचने से पहले हमें दिखाई पड़ता है एक दरबार, जो लोग अमृतसर आ चुके हैं उन्हें तो पता ही होगा। और फिर भाई टाइम हो गया, इनकी फोटो खींचती रह गई, तेरे मेरे साथ फोटो खिंचाने वाले मॉडल। इंडिया और पाकिस्तान का झंडा देखकर मुझे तो बड़ा ही सुकून मिला। वैसे जिन लोगों को नहीं पता तो मैं उन्हें बता दूं कि ये लोकेशन बाघा बॉर्डर है, जो इंडिया और पाकिस्तान की सहमति के साथ लोगों को प्रदर्शनी दिखाने के लिए बनाई गई है। तो ये है हमारा सुकून। लोगों की एक्साइटमेंट इतनी ज़्यादा थी कि उनकी स्पीड ने मुझे कन्फ्यूज कर दिया, इसलिए मैंने इनकी स्पीड ही फास्ट कर दी। वहीं तिरंगा लहरा रहा था और इस एंगल से तिरंगे को देखने की खुशी ही कुछ अलग होती है। कभी तुम भी इस चीज़ को एक्सपीरियंस करना। और वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के झंडे का भी कुछ अलग ही रुख था। लेकिन हमें क्या, हम तो अपनी जर्नी में फोकस करते हैं ना। और चली भीड़ भाग कर अपनी सीटों की तरफ। और फिर हमने वहाँ क्या देखा, हमने देखा कि बीच पथ पर ओनली लड़कियों को नाचने का मौका मिला है और बाकी सब भी साथ में आनंद ले रहे हैं। और मैंने भी देरी ना करते हुए छोटे बच्चों और अंकलों के बीच अपनी जगह बना ली और मौका पाते ही प्यारे प्यारे बच्चों को कैप्चर करना शुरू कर दिया। और वहीं दो शरारती बालक अपने डैडीज़ के कंधों पर बोझ बनकर उसके मज़े ले रहे थे। चलो कोई नहीं, इनके भी मज़े करने का तरीका थोड़ा कैजुअल है। चलो एक नज़र क्राउड की तरफ भी डाल लेते हैं। आज हमारे सारे भारतवासी जोरों शोरों से खुशियां मना रहे थे और खुशियां बटोरने में ज़रा भी कसर नहीं छोड़ रहे थे। और वहीं दूसरी तरफ हमारी खुशियों को देखकर पाकिस्तान वालों की खामोशी समझ नहीं आ रही थी। पता नहीं वो क्यों इतना खामोश बैठे हुए थे या उनकी आवाज़ें हम तक नहीं पहुँच पा रही थी। चलो छोड़ो, हम इधर फोकस करते हैं। फोकस करने के बाद मुझे समझ में आया कि इन लोगों को नाचने गाने से ज़्यादा खुशी अपनी फ़ोटो क्लिक कराने में और सेल्फी लेने में आ रहा था। इतने ये वाले मज़े तो मुझे कतई समझ में नहीं आ रहे इनके। खैर जो भी है, किसी बहाने से आज ये सब खुश तो हैं और इन्जॉय भी कर रहे हैं। फाइनली मैंने अपने ग्रुप के गर्ल्स पर फोकस किया और उनकी ये आउट वाली सेल्फी के बाद मुझे लगा कि ये सब तो इनके लिए काफ़ी नया है, इसलिए इन यादों को कैद कर रखना चाहती हैं, जो कि सही भी है और हर किसी को अच्छा भी लगता है अपनी यादों को कैद करना। वहीं इनको देखकर इनकी सारी सहेलियाँ भाग कर आ गईं। और वहाँ दूसरी तरफ हमारे प्रज्वल भाई पता नहीं कुछ ढूंढ रहे थे, लेकिन मुझे समझ नहीं आया क्या ढूंढ रहे। शायद हमारा नेशनल फ्लैग विद राहुल और गोविंद की सेल्फी। खैर छोड़ो, अब तो VIPs भी परेड देखने आ गए, हम भी परेड पर फोकस करते हैं। हम सभी ने मिलकर जोरों शोरों से चीयर अप किया अपने देश के लिए और हमें मज़ा भी आ रहा था। और मज़ा क्यों ना आए भला, जबकि हमारे साथ रोहित के हेड टीचर बैठे हुए हैं। आप ज़रा ध्यान से देखना, लुक एट दिस गाइस। Oh!
परेड ख़त्म होते ही हम जल्दी से तेज़ी में भागे, क्योंकि हमारी अगली लोकेशन थी गोल्डन टेम्पल, वो हम मिस नहीं करना चाहते थे। ये देखो भाई, ये अपना होटल है, दिखा दूँ भाई हम 12 रूम्स हैं पर कॉरिडोर में। ये अपना है 203। अपना क्या है भाई, दिन में हम अपन आए थे, बेडरूम कुछ ऐसा दिखता है भाई, और ये बाहर का भी यहाँ से तो मैं दिख रहा हूँ, और जब जूम करके दिखाता हूँ भाई उधर साइड में व्यू आता है भाई दिन में बहुत अच्छा। ये देखो भाई लाइट ही लाइट होली रूम भाई, बाथरूम है, शावर, और ये मैं देख रहे हो, मैंने उन्हें अभी लोकेशन पे छोड़ के आया हूँ बंदों को, ये रेस्ट करने के लिए, उनके लिए खाना वाना डिनर प्रिपेयर करवाने के लिए, बाकी वो बंदे अभी आ रहे हैं, उनसे भी मिलवाता हूँ भाई, बात करवाता हूँ तुम्हें। भाई एक्सक्यूज मी, खा लिया भाई तुमने खाना प्रॉपर? हाँ खा लिया सबका, चल रहा है? हाँ तो भाई फीडबैक बताओगे डिनर का कैसा था? यार झूठ नहीं बोलना, जैसा लग रहा है वो बताओ। चिकन तो बढ़िया है, मतलब क्या पूरे अमृतसर में होटल मकान जैसा आप मिला, एक नंबर है। और मैंने आज तक पनीर की सब्जी ऐसी कभी नहीं, पनीर ही ना भाई, तू तो नॉन वेज था। नहीं नहीं ये देखो दो, खाना बहुत बढ़िया है, खाना बहुत बढ़िया, अच्छा खाना। और बाजी बढ़िया बढ़िया, कुछ गलत दस्ता भाई, खाना क्या खा रहे हो भाई? खाना खा लिया तुमने? हाँ खा लिया। ये आइसक्रीम खा रहे हो बस? आइसक्रीम बढ़िया है, गाइड अगली थी हमने, कल उसका नहीं निकल भी था अपने। भाई फीडबैक लेने आया हूं भाई, साफ चल रहा है क्या? क्या गलत चल रहा है? बस बढ़िया है, ठीक है। अब तुम्हें जबरदस्ती तो नहीं पहना है? नहीं नहीं नहीं, देख ले भाई इसकी आंखों में दिख रहा, वो की पुत्र है। कौन सा पुत्र है? बोगी पुत्र, बोगी भाई का। तो वो गाइस इतने दिनों से मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ जो भी तुमने अभी तक देखा, बाकी वो सब मेरा काम है भाई, मैं कोई अपनी पर्सनल ट्रिप में नहीं आया हूँ, मैं भैया के थ्रू आया हूँ, एक भैया है हमारे गोविंदा भैया, उनकी ट्रिप की एजेंसी है, कंपनी है, अच्छी कंपनी है, तुम सब उसके थ्रू कभी कोई सही ऑल ओवर इंडिया बाहर का भी ट्रिप प्लान कर सकते हो, तो मैं एक वॉलंटियर हूँ जो उन सबको मैनेज करता है, जो भी टूरिस्ट आते हैं उन सबको, तो मैं यहाँ पर वही काम कर रहा हूँ, मैं अपने किसी पर्सनल ट्रिप में नहीं आया हूँ भाई, यहाँ पैसे मिल रहे मेरे को इसलिए मैं काम कर रहा हूँ, समझ रहे हो? तो भाई बहुत मैं इस काम के एक्सपीरियंस के बारे में तुम्हें बता दूँ भाई, बहुत मतलब किचकिच वाला काम है, बहुत ज़्यादा टेंस रहते हैं बंदे यहाँ पे, क्योंकि जो टूरिस्ट आते हैं भाई नहीं पता भाई कैसे हैं बंदे, कहाँ से हैं, कोई भी सभी स्टूडेंट का ग्रुप आया जाता है या फिर किसी ने पर्सनल बना लिया भाई ट्रिप हो जाता है, बाकी जो भी आए भाई बढ़िया, पर मज़ा तो बहुत आ रहा है भाई, मैंने नए नए एक्सपीरियंस सेंट में तो भाई हर किसी को मज़ा आता है, मुझे तो मज़ा आता है भाई, किसी को आता ना। बाकी अभी तक तो हमने भाई लोकेशन दिल्ली में घूमे हैं कुछ, और बाकी पंजाब में, तो अभी हमने यहाँ घूमे अमृतसर में, देखा होगा भाई तुमने, और बाकी अपना अगला है भाई अभी धर्मशाला, फिर उसके बाद और आगे जाएंगे, धीरे धीरे देखते जाओ सब कुछ दिखाते रहेंगे भाई, और ज़्यादा मैं ज़्यादा वीडियोज़ में नहीं दिखा पाता भाई, जो हम मतलब रेगुलर वीडियोज़ व्लॉगर्स बनाते हैं ना वो चीज़ें नहीं दिखा पाता, क्योंकि भाई मैं बिज़ी रहता हूँ, काम पे फोकस होना चाहिए भाई, काम पे आया हूँ, अगर जो पर्सनल अपना ट्रिप करो तो प्रॉपर दिखाता, बट डोंट वरी भाई बने रहोगे मेरे साथ भाई, दिखाते रहूँगा जितना हो पाएगा, और अच्छा एक्सपीरियंस शेयर करूँगा भाई तुम्हारे साथ, भाई सब्सक्राइब करते रहना यार, करवाते रहना लोगों को, और मेरी रीच बढ़ाओ यार, रीच नहीं बढ़ाओगे तो कैसे कैसे बनेगी बात भाई, इंस्पिरेशन इन्हीं सब चीज़ों से तो मिलती है, समझ रहे हो? चलो भाई बहुत लंबी इंट्रोडक्शन होगी,